अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कीजिए चैनल को सब्सक्राइब हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स कॉर्नर लास्ट टाइम हमने अपने आज हम करने जा रहे हैं इनफाइनाइट सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट विच इज दौशीज रूट टेस्ट सो लेट सी कौशीज रूट टेस्ट क्या होता है सो इफ समिशन यू एन इज पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिटीज टू बाय एन इज इक्वल टू के देन इफ के इज लेस देन वन सीरीज कन्वर्जेस के इज ग्रेटर देन वन दिन इज डायवर्ज इज एंड इफ के इज इक्वल टू वन दैन द टेस्ट फेल्स तो बेसिकली किसी पॉजिटिव टर्म सीरीज में अगर हम इस लिमिट को इवेल्यूएट करें यूएन टू वन बाय एन इक्वल टू के तो अगर के वन से छोटा है तो कन्वर्ज करेगा ग्रेटर देन वन है तो डाइवर्ज करेगा और इक्वल टू वन है तो एज ऑलवेज टेस्ट फेल हो जाएगा अब इस टेस्ट की जरूरत हमें पड़ती तब है जब यूजअली हमारे पास जो यूएन है उसमें पावर एन की होती है जब हमारे पास जो यूएन दिया है उसमें पावर एन होता है तब हम यूजुअली उसकी पावर वन बाय एन लेके उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सो इसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे यूज होता है सो so, क्वेश्चन है हमारा टेस्ट द कन्वर्जन ऑफ द सीरीज हुआ प्लस अंडर रूट टेन टू द पार माइनस एन टू दार थ्री बाय टू तो ये हमारा यू एन है वन प्लस रूट एन टू दार माइनस एन थ्री बाय टू तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन रूट एन एन टू दू द्री बाय टू अब क्योंकि आप ये देख सकते हैं यू एन में जो है ये एन की पावर में है तो अगर हम इसे नॉर्मली सपोज रेशियो टेस्ट से ले तो पावर में भी एन प्लस वन हो जाएगा तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा करना राधा देन हम, अगर हम इसी की पावर वन बाय एन लेके इस पावर को रिड्यूस कर सके सो वट वी विल डू इज हम हम यूज करेंगे रूट टेस्ट तो रूट टेस्ट के लिए यू एन टू दिन बाय निकालेंगे तो वन अपॉन वन प्लस रूट एन टू दिपार दू होल्ड टू तो ये कितना हो जाएगा एन टू जाएगा तो पावर सब्ट्रैक्ट होगी थ्री बाय टू माइनस वन तो एन टू द्री बाय टू माइनस वन हो जाएगा विच इज वॉट हाफ तो यानी कि एन की पार हाफ तो एन की पार हाफ का मतलब अंडर रूट एन तो अब हमारे पास यूएन टू दन बाय हो गया वन अपॉन वन प्लस वन बाय रूट एन होल्ड टू दूट रूट एन तो अब हम इसकी लिमिट निकाल लेते हैं लिमिट एंडिंग टू तो ये कितना हो जाएगा अब हमें पता है बाय दिस फॉर्मुला लिमिट एन टू इन्फिनिटी वन प्लस वन अपॉन एन होल्ड टू दू अब यहां क्या है रूट एन है और ये रूट एन है हमें बेसिकली ये देखना है कि ये एन और ये एन एग्जैक्टली सेम होना चाहिए और इसकी लिमिट इन्फिनिटी पे जानी चाहिए

टू स्वयर अपॉन वन स्क्वेर माइनस टू अपॉन वन होल टू दर माइनस वन प्लस थ्री क्यूब अपॉन टू क्यूब माइनस थ्री बाई टू होल्ड पार माइनस फर्स्ट टर्म कैसी है टू स्क्र अपॉन वन स्क्वेर माइनस टू अपॉन वन तो ये तो है एन प्लस वन एन प्लस वन इसकी पार भी एन प्लस वन और यहां भी एन प्लस वन क्योंकि एन हमारा क्या है वन तो ये कितना हो जाएगा हमारा एन प्लस वन का टू दार एन प्लस वन एन प्लस वन टू द्लस वन अपॉन एन टू द द्लस वन तो इसको हमने ऐसे लिख दिया एन प्लस वन अपॉन एन होल टू द द्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन होल्ड टू क्योंकि ये यूएन है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एन तो ये आ गया हमारा यूएन तो यू एन हमारा ये हो गया तो अब यू एन टू दार वन बाय कितना होगा एन प्लस वन अपॉन एन होल टू प्लस वन माइनस एन प्लस वन अपॉन एन पावर थी माइनस एन पावर वन बाय एन करेंगे तो एन और एन कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा सिर्फ माइनस वन अब एन प्लस है और इधर भी है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन लेके जब ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो पार क्या आएगी माइनस वन तो एन प्लस वन अपन एन टू वन और अंदर हो जाएगा एन प्लस वन अपन एन टू बचेगा हमारे पास सिर्फ माइनस वन तो अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा वन प्लस वन बाय एन होल टू माइनस वन सिमिलरली वन प्लस एन माइनस वन टू दाइनस वन तो अब हम लिमिट निकालेंगे टेंडिंग टू इन्फिनिटी यू एन टू दिन बान तो ये कितना पार माइनस वन इन टू वन प्लस वन बाय एन टू दिन माइनस वन होल टू दाइनस वन तो इन्फिनिटी जब पुट हुआ तो यहां तो हो जाएगा हमारे पास जीरो इधर बचेगा वन इन टू इधर लिमिट हो जाएगी e माइनस वन तो e माइनस वन टू दे पार माइनस वन तो कितना हो गया ई माइनस वन विच इज लेस वन तो बाय इज रूट दिस ऑल्सो कन्वर्जेस तो हमारा समेशन यू एन कन्वर्ज करेगा सो so, आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे ऑल्टरनेट सीरीज और लेबनिट्स टेस्ट तब तक के लिए थैंक यू अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा